लालू प्रसाद यादव की सरकार हिरासत का सरकार आया और वह राजद का सरकार ने 15 साल ये वित्त रहित कर्मियों के साथ इस तरह की छला, जो उसने कहा जो अगर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ये वित्त रहित को जन्म दिया है हम उसका प्रतिपाल नहीं कर सकते हैं, और ये 15 साल ये लालू यादव ने वित्त रहित के साथ इस तरह से किया। जो हम लोग बेली रोड पटना में जा करके वहाँ धरना प्रदर्शन किए और वहाँ हम लोग कितने जो शिक्षकगण थे वित्त रहित में वह लाठी खाए, डंटा खाए और आंसू गैस से हम लोग को भगाया गया, लेकिन ये लालू प्रसाद यादव 15 साल हम लोग को ठग करके हम लोग को एक भी पैसा देने का काम नहीं किया। उसके बाद जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका जो आजादियों का गठबंधन ये अपना एजेंडा में रखा जो हम वित्त रहित हमारी सरकार बनेगी तो हम वित्त रहित को वित्त रहित करके हम जो है सो अनुदान देंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और जदयू का सरकार बनने के बाद ये भी हम लोग को इस कदर रख दिया कि ये उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान का ये वित्त रहित ये जो है सो विधानसभा में पास किया और 2008 से हम लोग को अनुदान उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान देने का काम किया। और ये उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो हमारा संघ भी उस समय में इसको 15 साल जो लालू प्रसाद यादव ठगा था इसलिए जो अनुदान दिया वह ये स्वीकार कर लिया और उत्तीर्णता के आधार पर हम लोग को अनुदान मिलना शुरू हुआ। आइए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2008 का जो अनुदान था उस अनुदान का ये 2 साल वेरिफिकेशन जांच हुआ और जांच होने के बाद हम लोग को 2008 का अनुदान 2010 में दिया, 2010 का अनुदान 9 का अनुदान हम लोग को 11 में दिया और उसके बाद ये सर्कुलर है कि अगर 3 साल अनुदान मिल जाता है तो उसके बाद सरकार को अनुदान देना ही पड़ेगा, लेकिन ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 साल के बाद हम लोग को पुनः ये अनुदान बंद करने का योजना बना लिया और ये जो इंटरमीडिएट काउंसिल का जो अध्यक्ष था वह अध्यक्ष को पुनः जांच का वेरिफिकेशन का मामला उठा दिया, जबकि हम लोग की जांच पहले बार जो जांच हुई थी वह विधानसभा में हुई और विधानसभा में ये जिस तरह से इंटरव्यू होता है उस तरह से 3 टेबल लगा करके सेक्रेटरी को बुलाया गया था, प्रिंसिपल को बुलाया गया था और उसके बाद जो खड़ा उतरा कॉलेज डिग्री और इंटर ये सारे कॉलेज को अनुदान देना शुरू किया। अभी 1 मिनट बताएंगे सर, ये कब तक कब से अनुदान बाकी बकाया है सरकार की? अनुदान हमारा बाकी है 2012 से और 11 का भी है, बहुत कॉलेज में प्राय चला गया है 11 का, 12 से 100% बंद। 12 से कब तक का? 12 से 15 16 तक 16 तक का 17 का तो अभी रिजल्ट नहीं निकला है 16 तक।